बेस्ड ऑन अगेन स्ट्रिंग ऑपरेशन, इस केस में मींस प्रीवियस सेशन में जस्ट प्रोवाइड क्या किया था, व्हाट इज द फर्स्ट ऑकरेंस और इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ऑकरेंस ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग और गिवन कैरेक्टर फॉर्म अ गिवन स्ट्रिंग, क्लियर। लेकिन इस सेशन में जस्ट डिस्कस किया करना, मींस हो सकता है कोई कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, मोर देन वन टाइम्स रिपीट हुआ है, देन मुझे फर्स्ट ऑकरेंस रिक्वायर्ड नहीं होगी, रिक्वायर्ड किया जस्ट लास्ट ऑकरेंस, देन इस केस में जस्ट मैं फंक्शन इंप्लीमेंट करूंगा एज अ लास्ट ऑकरेंस और लास्ट इंडेक्स ऑफ, प्रीवियस केस में फंक्शन का नेम प्रोवाइड किया था जस्ट इंडेक्स ऑफ, इस केस में नेम प्रोवाइड करूंगा एज अ लास्ट इंडेक्स ऑफ, अगर किसी कैरेक्टर का लास्ट इंडेक्स रिक्वायर्ड है तो इस केस में जस्ट इसके लिए लॉजिक्स इंप्लीमेंट करें। फॉर एग्जाम्पल वी वॉन्ट टू इंडेक्स ऑफ, मीन्स अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ, लाइक ए बी सी डी अगेन ए एक्स वाई देन अगेन ए देन समथिंग जेड लाइक दैट, अगर इस स्ट्रिंग के अंदर आपको कैरेक्टर ए का लास्ट इंडेक्स रिक्वायर्ड है, देन इस केस में ये उसके अगर मैंने सप्लाई क्या किया कैरेक्टर ए सर्चिंग कैरेक्टर प्लस इस केस में जस्ट मैं फंक्शन नेम प्रोवाइड कर रहा हूँ एज अ लास्ट इंडेक्स ऑफ, दिस इज द कॉलिंग फॉर लास्ट इंडेक्स ऑफ, जैसे इस फंक्शन को कॉल करो इस केस में लास्ट इंडेक्स आप सर्च किसका करना चाहते हो, गिवन कैरेक्टर प्लस एक कैरेक्टर ए का लास्ट इंडेक्स सर्च करेंगे इनसाइड स्ट्रिंग ए, देखा जाए तो ए ऑलरेडी जीरो इंडेक्स पर भी अवेलेबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 देन ए सबसे पहले मैच किससे करा होगा फर्स्ट कैरेक्टर से, क्लियर। तो फर्स्ट कैरेक्टर के इसमें इसका इंडेक्स मैनेज करने के लिए मैं सेपरेट वैल्यू यूज करूंगा एज अ इंडेक्स प्लस, हो सकता है कैरेक्टर ए इसके अंदर कैसा हो नॉन एग्जिस्टिंग कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल ए के प्लेस पर अगर मैंने वाई सप्लाई किया तो वाई इस केस में एग्जिस्टिंग है नॉन एग्जिस्टिंग तो इस केस में बाय डिफॉल्ट मैं इंडेक्स वैल्यू असाइन करूंगा एज अ -1, अगर कोई कैरेक्टर एग्जिस्ट नहीं करा उसके रिटर्न क्या कराओगे फेल्ड कंडीशन के केस में -1। नेक्स्ट वन जस्ट सबसे पहले हमें ए के रिस्पेक्ट मत करें, ए सबसे पहले फर्स्ट कैरेक्टर से मैच हो रहा है, मीन ये ऑलरेडी अवेलेबल है लेकिन ए का करेंटली पोजिशन क्या है जीरो, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर ए का वैल्यू ए ऑफ आई से मैच होता है, गिवन कैरेक्टर का वैल्यू स्ट्रिंग के किसी भी कैरेक्टर से मैच होता है, देन मैचिंग कैरेक्टर का इंडेक्स क्या करेंटली आई के थ्रू मैनेज करें जीरो, देन इस केस में इंडेक्स में जस्ट असाइन क्या कराएंगे इंडेक्स डायरेक्टली असाइन करके कंडीशंस के बेसिस पर असाइनमेंट करोगे, इस केस में कंडीशन क्या रहेगा जस्ट इफ वैल्यू ऑफ ए ऑफ आई इज इक्वल ऑफ गिवन कैरेक्टर सी एच मीन्स सच कैरेक्टर और एनी कैरेक्टर, अगर एक कंडीशन ट्रू मीन्स इंडेक्स ऑफ का इनिशियल वैल्यू मैंने क्या यूज किया -1, अगर मैच होता है देन इमीडिएटली इंडेक्स वेरिएबल में जस्ट असाइन क्या कराएंगे करेंट पोजिशन ऑफ मैचिंग कैरेक्टर, करंट पोजिशन मीन्स आई होल्ड कर आई का इनिशियल वैल्यू जीरो, जीरो से मैच हो रहा है फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू इंडेक्स ऑफ में क्या साइन हो इंडेक्स वैल्यू में क्या साइन हो जाएगा जीरो, देन नाउ -1 इज रिप्लेस्ड बाई जीरो, नेक्स्ट टाइम अगेन ये मैच किससे होगा नेक्स्ट कैरेक्टर से मैच हो रहा है क्या नहीं नो एक्शन मीन्स इफ कंडीशन फॉल्स हो, नेक्स्ट टाइम मैच किससे होगा नेक्स्ट कैरेक्टर मीन्स करंटली आई का वैल्यू क्या है 4, मीन्स आई के फोर्थ वैल्यू के लिए अगेन सी एच का वैल्यू मैच हो रहा है तो इस केस में फिर से एक कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नेक्स्ट टाइम अगेन आई का वैल्यू साइन होगा और आई का करंट वैल्यू क्या है 4, तो इस केस में जीरो रिप्लेस किस हो जाएगा 4 से, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन अभी भी आपको स्टॉप नहीं करना, हो सकता है ए अगेन फर्दर अवेलेबल हो, इसलिए मीन्स आपको मैच कब तक करना जब तक स्ट्रिंग नल नहीं हो जाता है, मीन्स ऐसा नहीं कि जैसे कोई इंडेक्स फाउंड हुआ देन इमीडिएटली आप इसको ब्रेक करा दो, अगर आपको फर्स्ट ऑकरेंस रिक्वायर्ड है देन इमीडिएटली रिटर्न कराना पॉसिबल है, लेकिन आपको रिक्वायर्ड क्या लास्ट ऑकरेंस देन लास्ट ऑकरेंस के रिस्पेक्ट में अगेन आप सेम मैचिंग कंटिन्यू करो, नेक्स्ट टाइम ए मैच किससे हुआ एक्स से देन वाई से देन अगेन ए से, मीन्स इस केस में जब इस कैरेक्टर ए से या सेवन पोजीशन से मैच करा उस केस में आई का वैल्यू क्या हो चुका होगा समथिंग 7, तो ए ऑफ 7 का वैल्यू अगेन सी एच से मैच हो रहा है, इस केस में कंडीशन कैसा है ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो फिर से इफ के बॉडी के अकॉर्डिंग आई का वैल्यू करंटली क्या है 7, ये 7 कॉपी किस में हो जाएगा इंडेक्स वेरिएबल में, देन इंडेक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 7, नेक्स्ट टाइम अभी भी फिर से मैच कराओगे जेड से देन ये मैच किससे होगा नल से नॉट मैचिंग, देन इमीडिएटली मीन्स जैसे लूप के जस्ट बाहर मीन्स ये कोड किसके अंदर लूपिंग के अंदर लूप के जस्ट बाहर रिटर्न क्या कराओगे लास्ट ऑकरेंस, तो लास्ट ऑकरेंस करंटली किस वेरिएबल में इंडेक्स में, इंडेक्स का करंट वैल्यू क्या 7 और ए का लास्ट ऑकरेंस भी क्या ऑल्सो 7, तो फाइनली इस फंक्शन से आप रिटर्न क्या करा दोगे जस्ट वैल्यू ऑफ इंडेक्स, तो सिंपल लॉजिक्स हैं
फर्स्ट वन इस फंक्शन से रिटर्न क्या हो रहा है, इंडेक्स्ड पोजिशन। तो अगेन रिटर्न टाइप क्या यूज करेंगे, ऑल्सो इंटीजर टाइप। फंक्शन नेम इज लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ। फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या हो रहा है स्ट्रिंग, टोटल टू आर्गुमेंट सप्लाई करने की जरूरत है, स्ट्रिंग कॉमा कैरेक्टर। फर्स्ट आर्गुमेंट टाइप क्या यूज करोगे एज अ कैरेक्टर पॉइंटर एस। सेकेंड आर्गुमेंट टाइप क्या यूज करेंगे, जस्ट कैरेक्टर वेरिएबल, जिस कैरेक्टर का आपको ऑकरेंस सर्च करना है। नेक्स्ट में इसके इसमें लूप को मैनेज करने के लिए इटरेटिव वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे आई, प्लस फाइनल लास्ट इंडेक्स स्टोर कराने के लिए वेरिएबल में यूज करूँगा एज वेरिएबल नेम एज लास्ट इंडेक्स विद इनिशियल वैल्यू एज माइनस वन। इसका इनिशियल वैल्यू क्या था, माइनस वन। नेक्स्ट में मैं इंडेक्स के लिए वेरिएबल नेम यूज करूँगा, रेडियबल फॉर्म प्रोवाइड करेंगे जस्ट लास्ट इंडेक्स। देन फोर लूप जब स्टार्ट करें तो फोर लूप के अंदर आई का इनिशियलाइजेशन किससे कराओगे, एवरी टाइम जीरो मीन सेम केस। इस केस में कुछ भी नया नहीं, सेम लॉजिक्स a of i not equals to null और सिंपली a of i, एवरी टाइम इंक्रीमेंट किस में हुआ i में। नेक्स्ट सेम कोड आपको पुट कहाँ करना है, इन साइड दैट लूप। इस लूप के अंदर में से इंडेक्स में माइनस वन ऑलरेडी बिगिनिंग में असाइन कर चुके, तो नेक्स्ट टाइम ओनली इफ कंडीशन प्रोवाइड कराना है। इफ कंडीशन के अंदर जस्ट कंपेरिजन क्या रहेगा, इफ वैल्यू ऑफ a ऑफ i इज इक्वल इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सी एच। जैसे ही कंडीशन ट्रू होता है एवरी टाइम लास्ट इंडेक्स में असाइन क्या करा हुए, लास्ट इंडेक्स इक्वल्स टू करेंट वैल्यू ऑफ आई, देन क्लोज दिस लूप। देन जैसे ही कंट्रोल लूप के बाहर आएगा देन रिटर्न क्या करा हुआ, इमीडिएटली वैल्यू ऑफ लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स वैल्यू ऑफ लास्ट इंडेक्स। सपोज दैट इस केस में अगर मैं बात करूँ विद रिस्पेक्ट टू वाई, अगर आपने वाई सप्लाई किया लेकिन वाई कहीं मैच हो रहा है, मीन्स वाई मीन्स नॉन मैचिंग कैरेक्टर, अगर वाई मैच नहीं हो रहा है इस केस में इफ कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होगा, कभी भी ट्रू नहीं होगा तो आई का वैल्यू कभी लास्ट इंडेक्स में असाइन हुआ क्या, नेवर। देन जबकि लास्ट इंडेक्स मीन्स जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा तो लास्ट इंडेक्स का फाइनल वैल्यू प्रीवियस वैल्यू क्या, माइनस वन। तो इस केस में रिटर्न क्या करेगा, सिंपली माइनस वन, मीन्स माइनस वन रिटर्न कराने के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स प्रोवाइड नहीं करना है। देन जस्ट इस प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए सिंपली अगेन आप यूज क्या करोगे, मेन फंक्शन, क्योंकि एग्जीक्यूशन किस प्लेस से स्टार्ट होगा, फ्रॉम मेन फंक्शन। मेन के अंदर अगेन सेम केस, प्रोवाइडिंग डिक्लेरेशन फॉर कैरेक्टर एरे और एज अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मैं मैक्सिमम साइज दे रहा हूँ समथिंग 100। देन स्ट्रिंग का वैल्यू रन टाइम पर कीबोर्ड से रीड करने के लिए यूज कर रहा हूँ गेट्स फंक्शन, प्लस एक और वेरिएबल क्या रिक्वायर्ड होगा, सिंगल कैरेक्टर भी रीड कराना है, तो कैरेक्टर को रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे, सी एच। क्योंकि जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे कितने आर्गुमेंट्स रिक्वायर्ड है, टू इनपुट्स रीड कराने के लिए टू वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड किए हैं। गेट्स फर्स्ट टाइम, आप चाहे उससे पहले मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो, फर्स्ट टाइम वैल्यू किसके लिए रीड करा हुए, स्ट्रिंग के लिए। नेक्स्ट टाइम एफ फ्लश के थ्रू बफर के कंटेंट्स को फ्लश कराएंगे, क्योंकि उस मीन से अदरवाइज नेक्स्ट टाइम जब सी एच की वैल्यू रीड करो तो सी एच के अंदर बफर के एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स असाइन हो जाएंगे, एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स असाइन हो गए। अब जस्ट इस केस में सी एच के लिए न्यू वैल्यू रीड कराओ, देन इससे जस्ट पहले बफर को फ्लश करने के लिए कॉल क्या करेंगे, एफ फ्लश फंक्शन एस टी डी इन एज अ बफर नेम। इस टाइप के कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ ड्यूरिंग कंसोल ऑपरेशन। नेक्स्ट वन सी एच इक्वल्स टू गेट केयर, सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए यूज क्या करेंगे, गेट केयर फंक्शन। नेक्स्ट वन गेट केयर के जस्ट बाद कॉल क्या करा लेंगे, जस्ट सेम फंक्शन। जो भी इंडेक्स वैल्यू रिटर्न हुआ, इंडेक्स वैल्यू आप चाहो तो आप लॉजिकली किसी भी पर्पज से यूज कर सकते हो, डायरेक्टली डिस्प्ले भी करा सकते हो, मैं डायरेक्टली डिस्प्ले करा रहा हूँ। देन कॉल क्या करेंगे, इसके समय जस्ट फंक्शन नेम है लास्ट इंडेक्स ऑफ, फंक्शन नेम है लास्ट इंडेक्स ऑफ। फर्स्ट आर्गुमेंट में पास क्या करोगे, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के केस में एरे नेम क्या है, ए, इसलिए सप्लाई क्या करेंगे, जस्ट ए। सेकेंड केस में कैरेक्टर सी एच, मीन्स इस गिवन प्रोग्राम के थ्रू किसी भी स्ट्रिंग के लिए लास्ट इंडेक्स सर्च, किसी भी कैरेक्टर के लिए किसी भी गिवन स्ट्रिंग में लास्ट इंडेक्स सर्च कराना पॉसिबल है।